बच्चा डिमांड किए जा रहा, डिमांड किए जा रहा है, पापा उसको फुलफिल किए जा रहा, किए जा रहा, किए जा रहा। आजकल मैं देख रहा हूं अधिकतर लड़का लड़की जो है 27, 28, 29, 30, 31, 32 समथिंग इज निकलता जा रहा है सक्सेस से दूर जा रहा है। एक्चुअली क्यों? टोटल आपका डिपेंड करता है स्ट्रांग रूट्स। एपीजे अब्दुल कलाम का फेमस बुक है विंग्स ऑफ फायर, उसमें जो है स्ट्रांग रूट्स जो फर्स्ट चैप्टर ही है जिसमें ये बता दिया गया है कि जड़ क्या होता है, मींस वेरी आइडियल पापा। चार तरह के पापा होते हैं, जस्ट एग्जांपल, चार तरह के पापा होते हैं। पहला पापा प्रेसिडेंशियल पापा, सेकंड डेमोक्रेटिक पापा, तीसरा परमिसिव पापा और चौथा नेग्लेक्टफुल पापा। ये चारों पापा किस तरह के होते हैं थोड़ा बारीकी से सुनिए। अब आप डिसाइड कीजिएगा कि हमको कौन सा पापा चाहिए या आपके पापा किस तरह के पापा हैं। मैं इस वीडियो के जरिए बता देना चाहता हूं कि किस तरह के पापा होने से बच्चा कम समय में सक्सेस होना चाहिए हो जाएगा। आखिर में क्यों बच्चा को, आप बच्चे को अच्छा कॉलेज में पढ़ा रहे, इंस्टीट्यूशन में दे रहे, अच्छा टीचर क्लास दे रहे, फिर भी बच्चा 22-23 जाते जाते सक्सेस ना करके एक्चुअली बच्चा क्या हो रहा, 27-28, 29-30 हो जा रहा है, फिर भी पता सेटिस्फेक्शन वाला जॉब नहीं मिल रहा, आखिर में क्यों? कभी इसके पीछे जाने हैं? मैं आम पापाओं लोग से कहना चाहता हूं तो इसके पीछे रियल कहानी है, थोड़ा आप पहचानिए कि इन चार में से आप कौन से पापा है। पहला नंबर है प्रेसिडेंशियल पापा। प्रेसिडेंशियल पापा मीन्स उस तरह का पापा जो डायरेक्ट बच्चा को ए बैठो, बच्चा बैठो, ए उठो, बच्चा उठ गया, ए चल ट्यूशन जा, बच्चा ट्यूशन जा रहा, ए चल इधर आ, बच्चा ट्यूशन इधर आ, मतलब पापा ऑर्डर दे रहे हैं, बच्चा काम कर रहा है चाबुक के नोक। सेकेंड डेमोक्रेटिक पापा मीन्स पापा और बच्चे के बीच एक ऐसा रिलेशन है कि पापा और बच्चा दोनों में डिफरेंस पता नहीं चल रहा है कौन पापा है कौन बच्चा, मींस दोनों का फ्रेंडशिप रिलेशन है। पापा बच्चा का फीलिंग समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और बच्चा पापा का फीलिंग समझ रहे हैं। पापा बच्चा का सिर्फ फ्रेंडशिप रिलेशन पर अपना कीमती समय निकाल के बच्चा को टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहीं उसका हर फीलिंग को, हर हॉबी को पूरा कर रहे हैं, हर तरह का चीज को, नीडफुल को जरूरत पड़ रही है। बच्चा भी क्या कर रहा है, पापा का फीलिंग समझ रहे हैं, पापा हर डिमांड पूरा करना। तीसरा होता है परमिसिव, ये तो ऐसा पापा है, बच्चा डिमांड किया बाइक, पापा बाइक, अगला महीना बाइक, पापा वॉच, अगला महीना वॉच, पापा एक अच्छा वॉच, ऑनलाइन कुछ खाना, ये वो, बच्चा डिमांड किए जा रहा, डिमांड किए जा रहा है, पापा उसको फुलफिल किए जा रहा, किए जा रहा, किए जा रहा। एक समय ऐसा है वही बच्चा जो है, क्योंकि बच्चा जिस तरह का ऑर्डर दे रहा है पापा उसका सारा डिमांड पूरा कर रहे हैं, इस तरह के पापा होते हैं। चार नंबर पापा जो होते हैं समाज में देखोगे इस तरह के ही पापा है, बच्चा जो है गलत काम, गलत एंटी सोशल बॉय, एंटी सोशल गर्ल्स लोग के समय मर्च है, बच्चा गलत गलत काम कर रहा, बच्चा पापा देख के भी उसको क्या कर रहे, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, बच्चा गलत संगत में क्या कर रहा, स्मोकिंग कर रहा, इधर जा रहा उधर जा रहा, स्कूल इंस्टीट्यूशन इधर उधर क्या कर रहा हो, बंक मार रहा है, कहीं नहीं स्टडी पे ध्यान नहीं, पैसा फिजूल का खर्चा कर रहा है, फ्रेंड सर्कल में इधर उधर घूम रहा है, पापा उस चीज को देख के नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब आप डिसाइड करिए चारों पापा में से आप कौन सा पापा बनना चाहेंगे। अगर आप गलती किए हैं तो अभी भी वो सुधार कर सकते हैं। मेरा तो मानिएगा हमें जो है डेमोक्रेटिक पापा बनना चाहिए, मींस डेमोक्रेटिक पापा मींस पापा बच्चा का हर डिमांड पूरा करेंगे लेकिन बच्चा का फ्रेंड पहले बनेगा। इससे क्या हो, बच्चा जो है पापा का फ्रेंड बन जाएगा, पापा एक दूसरे में बच्चा का अंडरस्टैंडिंग फील करेगा, बच्चा देख रहा है कि नहीं, पापा देख रहे हैं क्या कि बच्चा का नीड है क्या, हॉबी क्रिकेट स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह, पापा उसके फुलफिल को दूर कर रहे हैं, बच्चा भी क्या कर रहा, पढ़ने में स्टडी कर रहा है, मीन्स बच्चा के जीवन में कोई रियल फ्रेंड है जो है पापा, मीन्स डेमोक्रेटिक पापा। तो मैं बता दे रहा हूं कि डेमोक्रेटिक पापा किस तरह से सक्सेस हो जाता है, रीजन क्या है। पापा क्या करते हैं उसको बजटफुल बनाते हैं, हमेशा क्या करते हैं डेली रूल पे देते हैं, बच्चा उसको क्या करता है सेविंग करता है, महीना के एंड में क्या करता है उसका एक बजटफुल नाइट। ओके, मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको इस तरह का पापा है, आप डिसाइड कीजिए पापा का कुछ गलतियों के कारण क्या होता है, बच्चा जीवन में सक्सेस नहीं कर पाता है। तो उम्मीद है कि पहले अपने अंदर सुधार लाइए जिससे क्या हो सारे बच्चे सुन, जरूरी नहीं है ज्यादा ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूशन कॉलेज
आप ही प्रूफ कीजिए, पहला टीचर तो आप है। बच्चा को हाथ पकड़ सिखाए मींस डेमोक्रेटिक फॉर्म, बच्चा का आपका वचन कोई भी फ्रेंड आगे चलते हुए बच्चा का आपका बात है। ओके नेक्स्ट वीडियो में जो कि जैसा है नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।